एक हैकर की तरह भाई आप भी गाड़ी को जमीन के अंदर चला सकते हो कुछ इस तरीके से। तो देखो इस वाली रिंग में क्या करना है, हैंगर के पास यहाँ पर तुम्हें ये ट्रक देखने के लिए मिलेंगे, इनके पीछे गाड़ी को कुछ इस तरीके से सेट करो, देन इंटरनेट को ऑफ करो। इंटरनेट को ऑफ करने के बाद में यहाँ से तुमको गाड़ी को चलाते चलाते जाना है रिमनाम विलेज पे। एंड जैसे तुम रिमनाम विलेज के पास आ जाते हो तो तुरंत से अपना इंटरनेट को ऑन करो। इंटरनेट को ऑन करने के बाद में वेट करो नॉर्मल पिंग का। जैसे ही नॉर्मल पिंग आएगा भाई तुम गाड़ी के साथ सीधा जमीन के अंदर चले जाओगे। एंड अभी तुम देख सकते हो भाई मैं भी एक हैकर की तरह गाड़ी को जमीन के अंदर चला रहा हूँ। तो यार क्या करो, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। ट्रिक नंबर 9 का यूज अगर आप भी करते हो तो भाई एक हैकर भी आपको नहीं मार पाएगा। तो देखो इस पत्थर के पास एक मिनी लॉन्च पैड को कुछ इस तरीके से सेट करो, देन इसे रोटेट करो, लीव प्लस मोबाइल का मिनिमाइज बटन दोनों को एक साथ क्लिक करो, देन गेम में वापस आओ और भाई तुम इस पत्थर के अंदर आ जाओगे। और जब तक तुम इसके अंदर रहोगे तो भाई एक हैकर भी तुम्हें कितनी भी कोशिश करे पर वो भी तुम्हें किल नहीं कर पाएगा। तो मस्त ट्रिक है यार, तुम आराम से बैठ के रिंग पुश कर सकते हो। ट्रिक नंबर 8 का यूज करके आप भी बाइक को कुछ इस तरीके से एक टायर पे चला पाओगे। तो देखो इस वाले ट्रिक में आपको ये जो कंटेनर है भाई इसके पास बाइक को कुछ इस तरीके से धीरे धीरे पीछे लेके आना है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जो आपकी बाइक का पीछे वाला टायर है वो भाई बिल्कुल हवा में चला जाएगा। देन आपको अपने फ्रेंड से बोलना है गाड़ी को ड्राइव करने के लिए और आपको पीछे वाली सीट पर बैठ जाना। एंड भाई अभी तुम देखो तुम्हारे जो बाइक का टायर है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब देखो भाई वो हवा में बिल्कुल भी नहीं टक रहा है, और हवा में नहीं मतलब जमीन पे बिल्कुल भी नहीं टक रहा है। और मस्त ट्रिक है यार, आप यूज कर लेना। ट्रिक नंबर 7 भाई क्लॉक टावर का तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक वाला ट्रिक दिखाता हूँ। इस वाले ट्रिक को करने के लिए जस्ट तुम्हें एक सीढ़ियों पे ऐसे सेफ्टी ग्लो लगा देना है, देन यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेट जाओ और अपना इंटरनेट ऑफ कर दो। देन यहाँ से तुम्हें रन करते हुए जाना है थोड़ी सी दूर। एंड जैसे तुम यहाँ से थोड़ा बहुत दूर आ जाते हो तो भाई तुरंत से अपना इंटरनेट को ऑन करो। ऑन करने के बाद में तुम्हें वेट करना है नॉर्मल पिंग का। एंड जैसे ही नॉर्मल पिंग आएगा सीधा भाई तुम इन क्लॉक टावर की सीढ़ियों के अंदर आ जाने वाले हो। एंड अभी तुम देखो भाई मैं भी इसके अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पर मस्त बात बताऊँ तुम जंप करके किसी भी एनिमी को किल भी कर पाओगे। और भाई जब तक तुम इसके अंदर रहोगे वो एनिमी तुम्हें मारना तो छोड़ो भाई एक डैमेज भी नहीं दे पाएगा। ट्रिक नंबर 6 तो भाई आपको ये वाली गाड़ी हाँ जो पानी के अंदर चलती है इसका एक बहुत ही मस्त वाला ट्रिक दिखाता हूँ। देखो इस वाली गाड़ी को क्या करना है, विंडो के पास कुछ इस तरीके से आपको सेट कर देना, देन आपको भी विंडो के पास जाना है और इंटर प्लस जंप ऑप्शन दोनों को एक साथ प्रेस करना है। देन तुम गाड़ी में कुछ इस तरीके से बैठ जाओगे, फिर गेम को मिनिमाइज करके वापस आना है। एंड अभी देखो भाई तुम गाड़ी में किस तरीके से बैठे हो, मतलब नॉर्मल तुम उधर फेस करके बैठते हो बट भाई इस ट्रिक का यूज करके तुम एकदम ऑपोजिट फेस करके बैठ सकते हो, जो कि भाई देखने में बहुत ही कूल लगता है। तो ट्रिक को ट्राई जरूर करना भाई। ट्रिक नंबर 5 भाई आपको जिपलाइन का एक चटपटा सा ट्रिक दिखाता हूँ। जस्ट इस पेड़ के ऊपर एक ग्लूवल कुछ इस तरीके से सेट कर दो, देन आपको जिपलाइन के पास जाना है। इसको यूज करके देन जो ग्लूवल है भाई उसके पास जाके कैंसिल कर दो और तुम इजिली इस ग्लूवल के ऊपर आ जाओगे। देन तुम्हें क्या करना है, स्कोप ऑन करना है और इस पेड़ के ऊपर कुछ इस तरीके से हल्का फुल्का जो स्टिक को मूव करना है। एंड भाई तुम इजिली इस पेड़ के ऊपर आ जाओगे और भाई फिर तुम्हारा ग्लूवल हट जाएगा, फिर भी तुम इस पेड़ के ऊपर रहोगे कुछ इस तरीके से। मस्त ट्रिक है यार भाई, अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हो तो तुम एकदम एनिमी से भी बच सकते हो, कोई भी नोटिस नहीं करता भाई पेड़ के ऊपर। चलो भाई अब तुम्हें एक ऐसा ट्रिक दिखाता हूँ जिससे तुमको फोकट में किल मिल जाएगा। इस वाले ट्रिक को करने के लिए ये जो सीक्रेट क्रेट होता है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से बैठ जाओ और एक लैंड माइन को सेट कर दो। अब भाई तुम्हारा जो लैंड माइन होगा या उसे तुम स्कोप से देखो या टेलीस्कोप से देखो भाई वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा 1%, तुम कितना भी ट्राई कर लो। और जैसे कोई एनिमी जाएगा या तो भाई उसे गंदा वाला डैमेज लग जाएगा या फिर आपको फोकट में किल मिल जाएगा। इस वाले ट्रिक का यूज करके भाई आप यकीन नहीं करोगे बट आप दीवार के आर पार एनिमी को देख सकते हो बिल्कुल हैकर की तरह। तो देखो इस वाले ट्रिक को करने के लिए जस्ट आपको क्लॉक टावर पे जो ये टनल है इसके अंदर आ जाना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बैठ जाना है। देन अपने कैमरे रोटेशन को थोड़ा सा चेंज करो और भाई अभी देखो जो क्लॉक टावर का मेन बिल्डिंग होता है उसके अंदर का आपको पूरा व्यू मिल रहा है, कौन बंदा है कौन क्या कर रहा है, मतलब मस्त ट्रिक है यार, आप दो दीवार के आर पार देख सकते हो। ट्रिक नंबर 2 भाई एक गोस्ट वाला ट्रिक दिखाने वाला हूँ, ये वाला ट्रिक मेरा पर्सनल फेवरेट ट्रिक है। तो देखो इस वाले ट्रिक में ना सोशल आइलैंड में तुम्हें इधर की साइड आना है और यहाँ पर जो ये लंबे लंबे पैड है ना जस्ट तुम्हें इनके पास आके खड़े हो जाना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जैसे तुम कैमरे को थोड़ा रोटेट करोगे तो भाई तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो एकदम गायब हो जाएगा, और अगर तुम कोई इमोट करोगे तो भाई इमोट का एनिमेशन दिखेगा बट तुमको तुम्हारा कैरेक्टर नहीं दिखेगा। मस्त ट्रिक है, यूज जरूर से करना। ट्रिक नंबर 1 तो आपको पता होगा भाई फ्री फायर फिजिक्स नामक चीज एकदम मस्त तरीके से काम करता है, बट तुम पहले ये वाला ट्रिक देखो। देखो इस वाले ट्रिक में ना तुम्हें एक क्राफ्ट टूल कुछ इस तरीके से सेट करना है,
देन कैमरे को रोटेट करो और दूसरा क्राफ्ट टूल कुछ इस तरीके से सेट कर दो, तुम भाई सीधा इसके नीचे आ जाओगे। फिर थोड़ा सा तुम्हें आगे आना है और यहाँ पर स्केटबोर्ड को ऑन करके ऑफ कर लो। फिर भाई तुम एक पैक बंद कमरे में आ जाओगे जिसके अंदर आके तुम्हें स्केटबोर्ड ऑन करना है। एंड जैसे तुम करोगे तो भाई तुम्हारे साथ ऐसा ग्लिच होगा जैसे कि तुम एकदम नो ग्रेविटी कमरे में आ चुके हो। देखो भाई यहाँ पर जैसे कुछ ग्रेविटी नामक चीज ही नहीं है और फिजिक्स तो बिल्कुल काम करता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर, ये लेफ्ट वाला वीडियो नहीं देगा भाई, बहुत ही तगड़ा वीडियो है, जल्दी से जाके देखो, एकदम गजब लेवल वाली ट्रिक है, तो देखो।